पिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है NFSA और सर्च कर देना है। आपके सामने पहला लिंक आएगा NFSA का, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको राशन कार्ड के ऊपर जो है क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन आएगा राशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट पोर्टल, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद सभी स्टेट आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। अब जिस स्टेट का आपका राशन कार्ड बना है जिसमें आपको EKYC करना है, उस स्टेट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने स्टेट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरह से पॉपअप आएगा, तो इसे आपको ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर दी, आप अपने स्टेट के पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ई सिटीजन दिया है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा सर्च योर डिजिटल राशन कार्ड डिटेल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड नंबर टाइप करना है और जो कैप्चा कोड दिया है उसे यहाँ पर टाइप करना है। सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके राशन कार्ड में जो नेम है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपके राशन कार्ड का जो पूरा का पूरा डिटेल है ये ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे EKYC डन के आगे यहाँ पर नो लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर EKYC नहीं हुआ है और यहाँ पर नो लिखा हुआ आ रहा है। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपको चेक करना है। और आधार सीडेड भी आप देख सकते हैं नो है। और सबसे बेकार चीज तो ये राशन कार्ड भी डीएक्टिवेट हो चुका है क्योंकि EKYC ही नहीं हुआ है। तो हमें दोस्तों इसका EKYC करना है और राशन कार्ड एक्टिव करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, EKYC करने के लिए ऑनलाइन ही EKYC हो जाएगा। यहाँ पर दिया है डू EKYC, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर जो है EKYC का ऑप्शन मिल चुका है। अब EKYC करने के लिए राशन कार्ड नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर राशन कार्ड पर जो आपका नेम है वापस से यहाँ पर शो होगा। आप देख सकते हैं नेम, फादर, हस्बैंड का नेम, मोबाइल नंबर और यहाँ पर आधार लिंकिंग स्टेटस में अभी नहीं लिंक हुआ है, आप देख सकते हैं दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो आधार कार्ड नंबर है उसे यहाँ पर टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया सेंड OTP, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक OTP आएगा। तो OTP को आपको करना क्या है, यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, OTP टाइप करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो EKYC है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से EKYC करना है। EKYC होने के बाद दोस्तों आपको वापस से यहाँ से जो है बैक कर देना है। जैसे आप बैक करके यहाँ पर आएंगे अब वापस से अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है और जो कैप्चा कोड है उसे यहाँ पर टाइप करना है। सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड डिटेल आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्रीन कलर में यहाँ पर शो होने लग गया है और यहाँ पर EKYC डन के आगे यहाँ पर यस लिखा हुआ आ गया है, यानी कि EKYC हो चुका है। आधार सीडेड भी यस दिखा रहा है और राशन कार्ड का जो स्टेटस है वो यहाँ पर एक्टिव हो गया है। समझ गए, तो इसी तरीके से दोस्तों ऑनलाइन EKYC होता है। मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा दिया है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हर एक स्टेट में ये सुविधा नहीं है, हर एक स्टेट में ऑनलाइन नहीं होता है। ये जो मैंने आपको डेमो दिया ये मैंने वेस्ट बंगाल का दिया है। ठीक है, अब हर एक स्टेट में जो है ऑफलाइन भी होता है ऑनलाइन भी होता है, तो आपको पता करना है। अगर आपके स्टेट में ऑफलाइन होगा तो जहां से दोस्तों आप राशन लेते हैं कोटेदार जिसे कहते हैं वहां पर जाकर आपको EKYC करना पड़ेगा, या फिर बहुत से स्टेट में ऑनलाइन भी हो रहा है तो आपको चेक कर लेना है, उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका बता दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। नहीं तेरा सूट भी।